स्वर्गीय श्री अमर राज सिंह जी की इस पूर्ण तिथि पे, जो कि अपने आप में एक महान साहित्यकार थे, हमारे एमएलसी प्रतिनिधि भैया दीपू सिंह जी का अथक प्रयास रहा है इस मंच को यहां तक पहुंचाने में, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग यथाशीघ्र इस कीर्तन पांडाल में आने का कष्ट करें, यथा स्थान पे बैठें। और आज की रात हम लोग आपको विश्वास दिला रहे हैं कि अगर आप लोग इसी तरह शांति का परिचय दिए, हमको सुनाने का और अपने सुनने का अवसर प्रदान करवाया, तो दोनों मंडल कीर्तन जगत की महान कलाकारा जिनसे सीख कर आज हम इस मंच पे खड़े हुए हैं, आदरणीय श्रीमती ज्योति कमल जी व उनके सक्षम समस्त साथियों का आशीर्वाद देते हुए, माता भगवती सरस्वती के दरबार में रमेश सरल आखिर भागे क्यों चले जाते हैं? कोई कारण होगा क्या? किसी भी शुभ कार्य करने से पहले महामाई को पुकारा जाता है कि ऐ मेरी माता, हमको सुनने के लिए आए हैं, क्या मंच पर आइए और हम बच्चों को संभालिए। आओ माँ कहाँ हो? जय हो, जय हो। परमादरणीय अमर बच्चा भजन मंडल शोभापुर, आपके कर कमलों के माध्यम से 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है, मंडल सहित आशीर्वाद की कामना करते हैं। परमारणीय भैया जितेंद्र चकबंदी हरचंदपुर, आपकी ओर से 100 मुद्राएं। दादा सेरा सिंह पूरे लखनऊवा, आपकी ओर से 50 मुद्राएं। भैया शिव प्रसाद कल्याणपुर विकलांग, आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं आई हैं। समस्त दानदाताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। सुनेगा के कंज मुखी कमले कमलासिनी कमल नयनी कृपा कोर करुणा की सब पे करैया हो, कठिन कुवंक काट करती कृपा की ओर, करुणा मई महान कष्ट की कटैया हो, श्वेत वाहिनी हो श्वेत वसन, श्वेत वाहिनी हो श्वेत 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 यस श्वेत ज्ञान वर्षा करैया हो, रावण चरण पे चारु चित्त है रमाए सरल, जा रसना पे आके सरस्वती मैया हो। एक निवेदन करूंगा कि जिनको भगवान ने दोनों हाथ दिए हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा ना। बड़ी बहन ज्योति जी का भी कार्यक्रम बस तुरंत, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग दोनों हाथ उठाएं जिनको भगवान ने दोनों हाथ दिए हैं, और एक बार हम साथ में मिलकर जयकारा लगाते हैं। जिनको दोनों हाथ दिए हैं वो दोनों हाथ से जयकारा लगाएंगे, और जिनको एक हाथ भगवान ने दिया है वो एक ही हाथ उठाएंगे, लेकिन जिनको हाथ ही नहीं दिया वो पकड़े फिर। एक बार हमारे साथ में जयकारा लगाएं। बोलिए सेरा वाली मैया की,
मजा नहीं आया। वहां कुछ लोग इतनी ठंड नहीं है कि आग को देख रहे हैं। 2 मिनट का समय लूंगा, जयकारा मेरे साथ लगवा लीजिए। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, एक बार प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। नमन करता हूं प्रातस्मरणीय पूज्य पाठ दादा स्वर्गीय श्री हरि किशन शर्मा जी महानगर कानपुर, आपके पावन कमल रूपी चरणों को प्रणाम करता हूं। तमाम असिस्टेंट मौजूद हैं, हमारे दीपू भैया के तमाम मित्रगण यहां उपस्थित हैं। हम लोगों ने यथा संभव प्रयास किया कि समय अनुसार मंच का संचालन हो सके। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा में कलाकार कलाकारा आदरणीय श्रीमती ज्योति कमल जी का तो नाम लिया, लेकिन तीसरे कलाकार में जो सबसे बड़े कलाकार हैं, जिनके द्वारा आप लोग सुनेंगे, हमारे साउंड सिस्टम वाले भैया। और हमारे आज की रात्रि के उद्घोषक महोदय, जिन जो किसी परिसर के पहुंचा नहीं है, आप लोग चैनल पर भी उनको देखते होंगे, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा इनसे मुलाकात हुआ। आदरणीय मधुप श्रीवास्तव जी, आप लोग इनका एक बार तालियों से स्वागत करिए। और हम लोगों के कार्यक्रम को जो देश विदेशों तक पहुंचाते हैं, बहुत बड़ा योगदान रहता है केएस परिवार म्यूजिक के प्रोपराइटर साहब आदरणीय भैया संजय जी, और तमाम आयोजकों का आशीर्वाद ले रहा हूं, तमाम बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहा हूं। कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए आइए, एक भक्त माता रानी के दरबार में गया और माता से कहता है, मैया क्या है जो? ओ हो हो वरते
मैंने सुना है कि महिमा मंडिती कर इसलिए माता महिमा मंडिती कर देती हो तो रख में अटल भर देती हो मूरख में अटल भर देती है। क्या बात है। और मैं क्या कह रहा हूं मां, क्या मन में है मल, मन में मल, निवेदन क्या कर रहा हूं, मन में है मल, मन हो निर्मल, मन में है मल, मन हो निर्मल, दुख द्वंद सभी तर जैसी विद्वान पत्नी से शादी हो जाती है। ये मैया आपकी कृपा है, इसलिए कहता हूं मां कि मेरी लय में विलय हो जी, पूर्व प्रधान चौपुरा हमारे आज के ढोलक वादक जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आदरणीय भैया अंकुर जी, जियो मेरे शेर, आपके लिए 50 मुद्राओं का इसने आशीर्वाद प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। लो बेटा तुम्हारी भी दुकान चल गई। आए माता के मेरी लय में विलय हो हमको मंच पे खड़ा किया है हमारे दादा बजरंग बिकल जी, मंच पे आज मंचासीन है। तो बजरंग बिकल संग में है सरल, निवेदन दोनों लोग सबके साथ में कर रहा हूं कि रसी नामे रस भर दे।
और ये परमारणीय ये 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया हमारे दादाजी की तरफ से, चूंकि नाम हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आपकी ओर से आया है। ये बालाजी टेंट हाउस हरचंदपुर आपकी ओर से 50 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, सुनेगा आपका। वरते 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 सोशल डिस्टेंसिंग में भी सुकड़ के बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में जुड़ के बैठे हैं, जो अकड़ के रहने वाले वो भी सुकुड़ के बैठे हैं। तो एक बार आपके सम्मान में आदरणीय रमेश सरल जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम का आपने शुभारंभ किया है, बहुत अच्छा लगा। मैं दीपू भैया से निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ मंच पे आ जाए। बाराबंकी जनपद से आई हुई सुप्रसिद्ध कीर्तनकारा श्रीमती ज्योति कमल और उनकी पार्टी का भी स्वागत सम्मान कर दे तो कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। हाँ, महिला मंडल मतलब ये जो आदरणीय ज्योति कमल जी हैं, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सावित्री सिंह जो ग्राम प्रधान है शोभापुर, उनसे भी निवेदन है वो आ जाएं यहाँ मंच पे और ज्योति कमल जी का सम्मान कर दें, फिर कार्यक्रम विधिवत शुरू हो जाएगा। और साथ में श्री राम जी श्रीवास्तव मलिकपुर बन्ना ये भी सहयोग करेंगे। मंचासीन बाराबंकी जनपद से आई हुई आदरणीय ज्योति कमल की कीर्तन पार्टी को हृदय से नमन करता हूँ। हमारे आदरणीय रमेश सरल जी जिन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उनकी भी पार्टी को हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आए हुए समस्त कीर्तन प्रेमियों को हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम का बहुत सुंदर संयोजन आयोजन किया है हमारे आदरणीय दीपू भैया ने, उनका भी हृदय से नमन वंदन करता हूँ। अब इससे ज्यादा चमचागिरी नहीं कर सकता हूँ, दो चार लोग हमारे भी सम्मान में तालियां ठोक सकते हो। ये अभी रमेश सरल जी को नहीं मालूम, बीच बीच में हम आते रहेंगे। अगर इधर ये रमेश सरल है, इधर सरल है, इधर ज्योति कमल है, बीच में हम ही हाथ के दलदल है, तो हमको बिना पार किए आप नहीं जा सकते हो।
बहुत सुंदर वंदना का क्रम आपने प्रस्तुत किया। रमेश सुरल जी वास्तव में गणेश जी के बहुत बड़े भक्त हैं। इन्होंने गणेश वंदना से ही शुरुआत किया। रमेश भैया, एक बार गणेश जी की इन्होंने पूजा की, गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी ने कहा वर मांगो, तो बोले हम तो वर खुदा है, कन्या की व्यवस्था करो। तो गणेश जी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा ये बताओ बेटा तुम्हारा नाम क्या है, अगर तुम हिंदू हुए तो तुम्हारी शादी आलिया भट्ट से करवा देंगे, अगर मुसलमान हुए तो तुम्हारी शादी जो है हम कैटरीना कैफ से करवा देंगे, अगर ईसाई हुए तो तुम्हारी शादी जेनलिया से करवा देंगे। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो रमेश सरल ने दिमाग लगाया। इन्होंने कहा प्रभु हमारा नाम है मोहम्मद रमेश डिसूजा। तो गणेश भगवान ने कहा तब तो तुम्हारे लिए राखी सावंते ठीक रहेगी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई हमारे रमेश सरल जी के। हाँ भाई आदरणीय राम जी श्रीवास्तव जहां भी हो वो आ जाए। और हाँ शोभापुर के ग्राम प्रधान आदरणीय आपसे भी निवेदन करता हूँ मंच पे आ जाए। हाँ आदरणीय सावित्री सिंह, ये अभी बार बार अनाउंस कर रहे थे कि दीपू भैया जो है एमएलसी के प्रतिनिधि है, लेकिन आज पता चला कि वो ग्राम प्रधान के भी प्रतिनिधि है। एक बार एक तालियां और आनी चाहिए इस बात पे। हाँ तो आइए आपसे निवेदन करता हूँ आप आ जाए और आदरणीय ज्योति कमल जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत सम्मान अभिनंदन हो रहे हो जाए। और कोई भी हाथ खाली नहीं रहेगा, तालियां बजा के अभिनंदन करिएगा। आपके क्षेत्र के गौरव की बात है, आप किस तरह से अतिथियों का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, ये बिल्कुल ये गूंज आपकी तालियों की गूंज बाराबंकी तक जानी चाहिए। आइए ज्योति कमल जी। और प्रभु ठीक है, ये हाँ भैया सामने से हट जाओ, ये बीच में इसलिए आते ताकि घर में सबूत देंगे कि हम भी कार्यक्रम में थे, नहीं तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। फोटोग्राफी जरूरी है। केएस जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। नहीं नहीं ये सर्टिफाई करेंगे घर में जाके कि हम थे वहां। कोटेदार परिवार नियोजन की कोई जरूरत नहीं। हाँ आदरणीय रमाकांत वाजपेयी जी से भी निवेदन है। दीपू भैया कहाँ, बुला दो एक बार। हाँ मैं चार पंक्तियां दीपू भैया के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। ये वो शख्स है, शख्स नहीं शख्सियत है, कि नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। और यही वो शख्स है जो तहजीब को जिंदा किए, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। अपने पिता की पावन स्मृतियों में हाँ भाई एक सूचना है, आशीष प्रधान चौपरा वो आ जाए मंच पे। और पिताश्री की पावन स्मृतियों में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हाँ भाई प्रधानों का तो बिल्कुल रहना जरूरी है। हाँ बिना प्रधान के कोई काम चल ही नहीं सकता। हाँ वैसे हम भी जो है प्रधानों के बहुत बड़े खास हैं। चलिए अब खास इसलिए पता नहीं कब हमको लैट्रिन लेने की जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ इस पार्टी का आप सम्मान कर दें। और इस पार्टी में मैं चाहता हूँ दादा राजकमल खुरपेची जी का सम्मान हो जाए, जो गैंग लीडर है। तो एक बार राजकमल दादा के सम्मान में तालियां जोरदार होनी चाहिए। और दीपू भैया भी आ जाए, राजकमल दादा का सम्मान कर दें। हाँ अच्छा ये कीर्तन जगत में कमल का बड़ा स्थान है। हमारी समझ में आता है बीजेपी का चुनाव निशान यही कीर्तन जगत से पैदा हुआ क्या? भाई कमल गुरु थे कीर्तन जगत में, ससराज कमल, ज्योति कमल। अच्छा अच्छा ठीक, एक सूची दे दीजिए।
और मंच के माध्यम से स्वागत कर रही हूँ जिनको अभी सुन रहे थे, जो आपको अपनी कविताओं से, अपने हास्य रस की कविताओं से आपको गुदगुदा रहे थे हमारे मधुप श्रीवास्तव चाचा जी। क्या बात है, आपसे आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और आपका एक नाम और है, कौन सा? नरकंकाल। आप आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ, ये छुपा रहे थे तो हमने कहा हम ही बता दें। तो बुरा ना मानेगा, आप हमारे पिता समान है, पिता समान क्या, हमारे पिता ही। और क्या, और आशीर्वाद ले रही हूँ, बड़ी दूर से चलकर आए हैं जिस इस कार्यक्रम को आप आज ही नहीं आगे भी सुन सकेंगे के इस चैनल के माध्यम से, और जिसके प्रोपराइटर हैं हमारे परम सम्मानीय आदरणीय चाचा श्री संजय चाचा जी। क्या बात है, आपसे भी आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। जय हो। आइए दो पंक्तियां महामाई के चरणों में। हाँ चलो। चूंकि कहते हैं कलाकार कोई भी हो, हाँ? पहले उसकी वंदना जिसकी कृपा से हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत है। क्या बात है। और अगर माँ आपकी कृपा से है, हाँ? तो मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। हाँ? मैं आज कुछ लेकर के नहीं आई हूँ, मैं केवल श्रद्धा के सुमन शब्दों का हार लेकर के आई हूँ माँ। हाँ? और हो सके तो उसको स्वीकार कर लीजिए। जय जय। और ये हमारे दीपू भैया की ओर से सुंदर सा पुष्पहार। इसको सही से सेट कर दो भैया। आशीर्वाद ले रही हूँ हमारे दीपू भैया का, जिनके माध्यम से ये सुंदर सा पुष्पहार 101 पदमुद्राएं हमें मिली हैं। मैं आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और कहना है माँ, माँ के जग की जननी माँ ममता की खान है। चाहे स्वयं को कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, क्या बात है। और वो माँ चाहे आपकी हो, चाहे हमारी हो, और चाहे इस सृष्टि को चलाने वाली हो, जग की जननी माँ ममता की खान है। Hey.
बरसाएंगी। ये माँ अपने बच्चों पर प्रेम बरसाएंगी। नेह बरसाएंगी दौड़ी माँ आएंगी। कब आएंगी और नेह कब बरसाएंगी? जब एक काम हम सभी करेंगे। कौन सा? नेह बरसाएंगी दौड़ी माँ आएंगी। मन को मंदिर बनाने की कोशिश तो कर। जरूरी नहीं है कि आप चार अगरबत्ती लेके सुबेरे शाम पूजा अर्चना करो। क्या बात है? बस मन से याद करो। क्या बात है? कहते हैं माँ मिल जाएंगी, लेकिन इस मन से भावना होनी चाहिए। बिल्कुल। दिखावा आप करें चाहे ना करें, अब सोचिए जो जग को पालने वाली है, हम क्या उसको 101 रुपए के लड्डू में लुभा सकते हैं? ना। उसको खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। लेकिन ये स्नेह है माँ का, अगर आप भाव से खिलाएंगे तो माँ खाएंगी भी। बिल्कुल। नेह बरसाएंगी दौड़ी माँ आएंगी। मन को मन उतर जाएंगे, नहीं तो बीच ही में लटके रहेंगे। तो माँ 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 के हाथों में जीवन की डोर है। तो भी माँ नजर आएंगी। बिल्कुल। माँ के हाथों में जीवन की डोर है। माँ ही इस ओर है, माँ उस ओर है। सांझ है भोर है ये शोर घन घोर है। आशाओं का भाव भाषाओं का। कहते हैं कीर्तन शाब्दिक आनंद है, केवल शब्दों को सुने आप। दीप आशाओं का भाव भाषाओं का। प्रेम से बस जलाने की कोशिश तो कर। मानो तो देव और ना मानो तो पत्थर। इसीलिए प्रेम दीप आशाओं का भाव भाषाओं का। प्रेम से बस जलाने की कोशिश कर। Yeah. और माँ अगर चाहे तो मुर्दे को जिला
शक्ति है। इसलिए माँ माँ धैर्य मन से ना खोता देख पाई माँ हुई और धैर्य टूटने लगा तो भक्त माँ को याद करता है कि माँ अब तुम ही सहारा हो। क्या बात है, जय हो। तो जिस समय माँ ने देखा तो धैर्य मन से ना खोता देख पाई माँ ना ही संतति को रोता देख पाई माँ। और जब भक्त ने बुलाया तो धाई माँ आई माँ ये महा माई माँ। माँ नैन का आंसू जल ज्योति कर कमल नैन का आश्रो जल ज्योति कर के कमल पद कमल में चढ़ाने की कोशिश तो कर। बरसाएगी हो नेह बरसाएगी दौड़ी माँ तो कर।